आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गए हैं मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में हर रोज बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, उसको दिन पर दिन और बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास होते रहता है, कुछ ना कुछ फैसला आते रहता है। अब देखिए कि अब एक और नया फैसला आया ये कि बिहार में जो कहा जाए कि पहले जो परीक्षा हुआ करती थी 3 महीना पे या 6 महीना पे, वो नहीं हो रहा था कई दिनों से, लेकिन अब जो है वो उसको दोबारा शुरू कर दिया गया है और दोबारा से 6 माही परीक्षा बिहार में हो रही है सरकारी स्कूलों में। अब इसमें नया ट्विस्ट ये है, नया इसमें कहा जाए कि टर्म ये लाया गया है कि बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जिस तरह का भी आएगा वैसा ही CR जो है वो शिक्षकों को मिलेगा। और कहा जाए कि अब भैया शिक्षक महोदय जो हैं उनका रिजल्ट तय करेगा कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आया। मैंने समझी ना कि दोनों का विकास जो है एक दूसरे पर निर्भर करता है। जो अगर एक शिक्षक जो है वो कहा जाए उनका रिजल्ट बेहतर आएगा तो बच्चों का बेहतर आएगा, और अगर बच्चों का बेहतर आएगा तो शिक्षकों का बेहतर आएगा। तो समझिए कि एक दूसरे के ये पूरक हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पहले किसमें बदलाव की ज़रूरत है, शिक्षकों में कि छात्रों में। आइए इस समस्या का समाधान ढूंढने चलते हैं अपनी जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि पहले किसको बदलने की ज़रूरत है। आइए हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर लिए हैं, अपना उस व्यवस्था से निकले हैं, उस व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जरा हम उनसे ही शुरुआत करते हैं बातचीत की। भैया ये बताइए कि अब एक नया नियम ला दिया गया है कि अब जो है जिस तरह से बच्चों का परफॉर्मेंस रहेगा उसी हिसाब से टीचर का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अब बात यही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है, लेकिन दोनों में से पहले किसको बदला जाए? देखिए मैम, अगर शिक्षा सुधार में सुधार लाना है हाँ। तो जो स्कूली सब व्यवस्था उसको सुधारना होगा, क्योंकि जो बेसिक जो होता है जैसे हाँ। आजकल कोचिंग सिस्टम है हाँ। मैं अभी भी बोलता हूँ हाँ। कि जो शिक्षा में सुधार जो होता है ना हाँ। वो स्कूल से ही हो सकता हाँ। है। देखिए कोचिंग क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता अपनाता है हाँ, लेकिन बढ़िया से तरीका अगर मतलब डेवलप करना है तो वो स्कूली शिक्षा से हो सकता है। तो हमको लगता है पहले स्कूल में सुधार करने के लिए। स्कूल में भी देखिए कि एक बच्चे भी है, पढ़ाने वाले भी है, पढ़ने वाले भी, पहले पढ़ने वाले को बदलना चाहिए, पहले पढ़ाने वाले को बदलना पहले चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों को बदलना चाहिए, दोनों को बदलना चाहिए एक साथ, है हाँ, ना? क्योंकि देखिए अगर मैं जैसे सरकारी स्कूल में ऐसे लोगों के घर अगर जाइएगा तो गरीब घर के बच्चे हैं, तो उसके अगर जनरेशन को देखिएगा तो या तो माता पिता नहीं पढ़े, कोई भी एक जनरेशन नहीं पढ़ा, अगर कोई भी एक जनरेशन पढ़ जाता है तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। तो जो सरकारी स्कूल का बच्चा जिसका जनरेशन नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा गार्जियन को भी सजग होना पड़ेगा, एजुकेशन क्या है उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखिए ये इनको इन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि थोड़ा सा भी जो पढ़ लेता है तो वो चाहता है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएं, लेकिन ये मानसिकता आई कहाँ से? क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है, हम लोग जो है वो बोरा सिस्टम देखे हुए हैं, हम लोग जो है वो खिचड़ी वाला जो सिस्टम है वो देखे हुए हैं, हम लोग उससे आहत हुए हैं। हमारे ही साथ जब बच्चे, क्योंकि हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो हमको पता है कि बच्चा किस मेंटेलिटी से गुजरता है। जब हम जो है वो जैसा तैसा पैर में हवाई चप्पल पहने हुए हैं और स्कूल ड्रेस पे हवाई चप्पल पहन के जा रहे हैं, पता है कि स्कूल बैग में एक बोरा भी है जिसको बिछा के हम बैठने वाले हैं, और मेरे ही बगल से जो है वो एक बच्चा जब बहुत सुंदर सा यूनिफॉर्म पहन के एकदम सज धज के तैयार होकर जब जा रहा है, तो बच्चे का व्यवस्था पढ़ाई तो चलिए बाद में, पहले तो उसके मानसिकता पहले उसके मेंटेलिटी प्रभाव पड़ता है कि हाँ वो मेरे लाइक हम दोनों एक ही बच्चे हैं, लेकिन फिर वो अच्छा पहना है हम अच्छा नहीं पहने हैं, वो सब बड़ा बहुत इफेक्ट करता है, इसके कारण थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन गार्जियन अगर चाहे कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े तो जाके बीच बीच में स्कूल में सरकारी स्कूल में ही अपना घूम घाम के देखे कि हाँ कैसा व्यवस्था है, अच्छा है कि नहीं है। क्या लगता है कौन अगर बदलेंगे तो शिक्षा व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी? अभी तो शिक्षकों का ही जरूरी है, शिक्षकों का जरूरी स्कूल में, सरकारी स्कूल का थोड़ा सा शिक्षकों का व्यवस्था ठीक नहीं चला है, वो पुराने ढरे पर ही चले आ रहे हैं। जैसे अभी नए वाले जो आए हैं वो कुछ तो अभी सही हैं, लेकिन पहले का जो भी है वो लोग अभी न टाइमिंग सही उनका है न पढ़ाई का भी वो है। अच्छा, बहुत सारा कड़ाई भी समय समय पर किया जाता रहा है शिक्षकों के लिए, क्या लगता है वो काफी है सिर्फ व्यवस्था को सुधारने के लिए? हाँ वो तो सही है, लेकिन शिक्षक पे कार्रवाई जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए कि अब कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं, जैसे अब पहले 6 माही जो बंद हो गया था परीक्षा, अब उसको दोबारा से शुरू किया जाने की बात चल रही है और दोबारा अब शुरू हो भी जाएगा। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि माने जैसे जो रिपोर्ट कार्ड बच्चों का तैयार होगा, बच्चों का जिस तरह से नंबर आएगा उसी हिसाब से अब शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, उनका CR बनेगा।
तो ऐसे में सबसे जरूरी बात कि पहले छात्र बदलें कि पहले शिक्षक बदले? शिक्षक को पहले बदलना पड़ेगा मैम, पहले शिक्षक को बदलना पड़ेगा, वो बदलेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेके जो है वो कैबिनेट की, मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, और जब तक सभी राज्यों से पास नहीं हो जाता तब तक ये कहा जाए कि बिल जो है वो संविधान में ऐड नहीं होगा। लेकिन उसके पहले जो है, क्योंकि सहमति जब मिल गई है तो जनता की सहमति भी मायने रखती है, और सबसे बड़ी बात कि देश के लिए फैसला लिया गया है, तो ये देश के लिए कितना हितकारी साबित होगा? क्या लगता है भैया, देश के लिए ये कितना सही होगा? बहुत देश के लिए बहुत ही हितकारी है, जैसे बिल जो पास होगा बहुत हितकारी है। हितकारी है, कैसे इसको फायदेमंद मानते हैं? जब भी इलेक्शन जब होती है, केंद्र का हो या स्टेट सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, तो जब एक इलेक्शन होता है तो प्रखंड से लेकर और जिला का जितने पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, दो महीना तक कोई काम नहीं करते, क्या तो इलेक्शन है, तो जनता के यहाँ काम बाधित होती है। और जब भी इलेक्शन होता है, अगर केंद्र की एक बार होती है तो अरबों रुपया खर्च होता है, फिर स्टेट की सरकार की जब चुनाव होती है तो वहाँ खर्च होता है, तो एक तो देश का पैसा भी खर्च हुआ जो जनता का पैसा जा रहा है, और दूसरा चीज है कि जब दो इलेक्शन होगा तो कम से कम चार महीना तो हम मानते हैं, दो महीना केंद्र सरकार और दो महीना स्टेट सरकार, ये चार महीना जो पूरे ठप रहता है जनता का कार्य या सरकार का कार्य, वो तो घाटा है देश के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जब भी इलेक्शन अगर हो, ये वन बाय वन इलेक्शन, बहुत ही फायदा जनता के लिए, एकदम बहुत फायदा है, देश की बचत है, देश का विकास होगा, पैसा बचेगा तो कोई दूसरा योजना बनेगा जो इलेक्शन में खर्च हो रहा है, बिल्कुल, और बिल्कुल। जनता के काम जो बाधित होती है वो नहीं हो। और एक नुकसान ये भी हो जाता है भैया कि जब तक इलेक्शन, जब इलेक्शन की घोषणा हो जाती है, आधिकारिक घोषणा हो जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है, आचार संहिता जब लग जाती है, तब सरकार कोई भी बड़ा निर्णय जो है वो नहीं सुनाती है ना, कोई भी बड़ा योजना का जो है वो प्रस्ताव ना रखती है और ना ही उसकी घोषणा कर सकती है। तो एक तरह से कहा जाए कि तीन चार महीना तो जनता के हित में कोई योजना नहीं आएगा, है ना, उससे काम बाधित हुआ, उसके बाद तीन महीना इसका जोड़ लीजिए, तीन महीना उसका जोड़ दीजिए, बाकी राजनीतिक पार्टी तो तीन महीना छोड़ दीजिए, छः महीना पहले, एक साल पहले से चुनाव का तैयारी शुरू कर देते हैं, तैयारी उसका जो प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? तो क्या लगता है कि ये सब एनर्जी बचेगा क्या? इससे विकास बाधित होता है, आचार संहिता लगने के बाद जो विकास की योजनाएं बंद कर दिया जाता है, नया उद्घाटन शिलान्यास नहीं होता है, तो इससे विकास भी बाधित होता है। दूसरा, चुनाव के नाम पर जो बंदरबाट होता है, वहाँ से योजनाएं चलती हैं, पदाधिकारी चुनाव में, दो दो चुनाव में जो वहाँ से बजट आता है, हम जमीनी स्तर पर देखे हैं, जो खर्च कुछ और है, बिल कुछ और बनाया जाता है, कम से कम एक होगा तो कम से कम उसका भी बचत तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी राशि का दुरुपयोग नहीं होगा, जनता वो पैसा जनता के फिर विकास में जाएगा, लोगों को, लोग भी परेशान होते हैं, पब्लिक भी परेशान होते हैं, अपना काम छोड़ के नेताओं बीच बीच में आते हैं तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है, वो पब्लिक का भी बचत होगा और देश का भी बचत है। हाँ। वन नेशन एक। अच्छा अच्छा भैया, अभी देखिए है कि मतलब पहले लोकसभा इलेक्शन हो जाएगा, लगे लगे विधानसभा इलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद 100 दिन के बाद जो बाकी आम चुनाव होता है, मतलब पंचायत इलेक्शन कहा जाए, बाकी सारा जो इलेक्शन होता है वो सब भी हो जाएगा, तो मतलब कहा जाए कि तीन महीना के अंदर जो है वो सारा चीज से आदमी निपट लेगा, तो क्या लगता है कि तीन महीना में अगर सारा चीज से निपट लेगा तो वो देश के लिए कितना फायदेमंद होगा? देखिए, देश के लिए वन मैन वन इलेक्शन जो है वो तो हर मायने में फायदेमंद है, इसलिए कि देश हम लोग का खर्च में, जैसे चुनाव होता है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, जो भी चुनाव होता है उसमें देखा जाता है कि हर कर्मचारी, चाहे वो ऑफिसर रैंक का हो, चाहे जो भी क्लास वन का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, नीचे जो भी ऑफिसर होते हैं, वो सब लोग बाधित होते हैं, उसके साथ साथ उसके साथ साथ पब्लिक भी बाधित होती है। हमारे यहाँ मान लीजिए कि 20 पार्टियाँ आती है, 20 पार्टियाँ के लोग दरवाजे पे आते हैं, तो जो भी काम काजी आदमी है भाई, वो हमारे कैंडिडेट है, तो हमको उनको जानने के लिए अगर आधा आधा घंटा भी हम समय देते हैं तो 10 घंटा बाद वो जरूरी भी है, नहीं जानेंगे तो वोट कैसे देंगे? नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम वोट कैसे देंगे? ऐसा भी नहीं है कि हम लोग घर बंद रखेंगे और कुछ मतलब ना रखें, ऐसा हो तो है, क्योंकि वो हम इलेक्शन चुनाव हमारा अधिकार है, इसलिए और हर पार्टी का भी जानना हम लोग को जरूरी है कि भाई कौन कैंडिडेट कैसा है। ठीक है, चुनाव पार्टी सिंबल पे होता है, लेकिन कैंडिडेट भी मायने रखता है कि कैंडिडेट हमारा काम करने वाला है नहीं काम करने वाला है, इसके एवज में हर मायने में ये बचत जो है आम पब्लिक से लेके पूरा देश के लिए है। आम पब्लिक का है कि भाई समय बचता है, उसको एक बार नेता चुनने का मौका मिलता है, और उसके बाद क्या है कि उसमें फायदा ये होता है कि वो पूरा सेटिस्फाइड, चलो भाई हमको तीन महीना में ही ये काम कर लेना है। किसी की बेटी की शादी है, उस समय अगर इलेक्शन हो जाता है तब भी पूरा उसको न गाड़ी मिल पाता है न सही से कुछ, तो हर तरह से पब्लिक परेशान होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि जाती क्यों नहीं जाती, चलिए इसी सवाल को लेकर चलते हैं हमारी जनता के बीच में और उनसे बात करते हैं कि बिहार से जातिवाद कैसे खत्म होगा। बाबा ये बताइए,
बताइए कि बिहार में जो है वो जब भी कोई नेता वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि हम सारी जाति के अपने हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जो है वो फिर से जातिवाद करने लगते हैं। बिहार से ये जातिवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये जो नेता है वो आम जनता को बेवकूफ बनाकर वोट ले लेते हैं और वो जात में लोगों को बांटते हैं ताकि जाति का छाता लेकर वो अपना वोट हासिल कर सके। आज बिहार जातिवाद से ग्रसित है और इसी का कारण है जातीय उन्माद फैल रहा है। अभी सर्वे चल रहा है और इसको जो लोग भी जमीन कब्जा किए हुए लोग हैं वो इसको अपने जातियों को एक साथ इकट्ठा करके और उन्माद फैलाएगा और जातिवादी नेता भीते से संरक्षण देंगे हाँ, कि हमारे जाति का लोग है बदमाशी कर रहा है तभी कोई बड़ी बात नहीं है, जी है ना? जी हाँ जी हाँ, और यही जो है वो मूल है। लेकिन जो उसके उनके बड़े नेताओं के जाति के जो गरीब लोग हैं उनके दरवाजे पे नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं दरवाजे पे, वो बड़े लोगों के दरवाजे पे जाते हैं और इस तरह से जातिवाद भरा जा रहा है कि वो जाति के उन्माद में लोग कूद रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए भैया, कि इंसानियत तो एकमात्र धर्म होना चाहिए, एकमात्र जाति होना चाहिए, कि इंसान को इंसान से प्रेम हो, इंसान को इंसान का दुख देख के दुख हो, लेकिन बिहार में हम लोग ये भी देखते हैं कि एक दूसरे की जाति को भी निशाना बनाया जाता है। जाति के नाम पर जो है वो आपस में लोग लड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है भैया? जाति के नाम पर लोग क्यों लड़ जाते हैं बिहार में? जातिवाद प्रथा ये गलत है, हमेशा बिहार में ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा कैसे इससे ऊपर उठा जाए भैया, क्योंकि देखते हैं बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं, देखिए कि अभी हम लोग जो है वो जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से हजारों हजार लोग जो है वो बिहार रोज बिहार से बाहर जाते हैं, कुछ लोग बिहार के अंदर आते हैं। बाहर जाने पर लोग बिहारी को जो है वो अलग ही तरह से व्यवहार करते हैं, है ना? उसके उस समय तो ये नहीं पूछते कि कौन जाति के हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर एक दूसरे के जाति के ऊपर सवाल उठने लगता है। क्यों ऐसा होता है भैया, क्यों जातिवाद बिहार से खत्म नहीं हो रहा है? ये जातिवाद यहाँ खत्म नहीं होगा, नहीं खत्म होगा, क्यों भैया? सरकार जो है ना वो अपना क्या करते हैं कि इलेक्शन आने के समय सब अपना अपना फिर क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरा अपना अपना जाति के लोग को ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं, करते हैं इसीलिए जातिवाद कभी खत्म नहीं। अच्छा नेता लोग तो एक दूसरा के ही जाति के बारे में कहने लगते हैं भैया, क्या कहते हैं नेता लोग जो हैं वो एक दूसरे की जाति पर ही जब सवाल उठाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या बात है भैया ऐसा कि इतना साल हो गया पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारा बिहार अभी भी जातिवाद में उलझा हुआ है? क्या बताइए अभी बिहार में ही रहते हैं ना जी। क्या लगता है जातिवाद अभी भी है कि खत्म हो गया है? अभी तो है, है अभी। कैसे इसको खत्म किया जाए? देखिए हमारे जो है बच्चे अब जो है कहा जाए कि अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, सब जगह जो है वो हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, तो फिर हम लोग अभी तक जातिवाद में क्यों उलझे हुए हैं? अपना अपना सोच है ये, इस सोच जब तक बदलेगा नहीं जनता तब तक काम नहीं। लेकिन खैर सबसे बड़ी बात ये है कि हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ आने का कारण भी यही है क्योंकि यहाँ पर बिहार से कहा जाए पूरे बिहार भर के लोग रहते हैं, है ना? और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि बिहार में ये जो समस्या लंबे समय से चली आ रही है इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, इस पर जो है वो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और बिहार से जातिवाद खत्म कैसे होगा ये भी एक जानने की चीज़ है ना? भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी हम तो छपरा से आ रहे हैं। छपरा से आ रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए भैया कि बिहार में जो है वो जितने भी नेता हैं वो सब कहते हैं कि हम जातिवाद से ऊपर हैं, हम भले ही इस जाति के हैं लेकिन हमारा सारे जाति के लोगों पर जो है वो बराबर नजर रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो एक दूसरे की जाति पर सवाल उठाने लगते हैं और सबसे बड़ा सवाल कि बिहार से आखिर जातिवाद क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए तो विकास नहीं हो रहा है बिहार का, जिस दिन जातिवाद खत्म समाप्त हो जाएगा उस दिन विकास ही विकास रहेगा, लेकिन जातिवाद के ही चलते विकास नहीं हो पा रहा है। हाँ। नेता जात का नहीं होता है, जमात का होता है। जमात का होता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई फलाने जाति का कोई आदमी है तो नेता चाहता है कि हमारे जाति के लोगों को जो है हमारे जाति का हमको वोट मिलता रहे, इसलिए उस जाति का आदमी कितना भी बुरा कर ले लेकिन उसका कुछ नहीं करेगा और चाहे उलझाने की कोशिश करेगा एक दूसरे को एक दूसरे की जाति में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर हम अगर नेता हैं, हमारा लड़का अगर गलती करेगा तो धर्म के तराजू हमारे हाथ में है, सही सही निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिले प्रसाद में मिलावट के बाद से वहाँ पर जो चर्बी मिली है, उस प्रसाद में जो चर्बी मिली हुई है, उस वहाँ पे जो कहा जाए फिश ऑयल मिला है, उसके बाद से तमाम जो भक्त हैं कहीं ना कहीं उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर के तर्ज पर ही भगवान महावीर के मंदिर में जो है वही प्रसाद अर्पण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हर 3 महीने पर क्वालिटी चेक की जाती है, हर 3 महीने पर यहाँ जो है वो प्रसाद की जांच की जाती है और उसके बाद ही भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, ऐसे दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या लगता है भैया, ऐसे दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये तो ऊपर वाले ही दे देंगे, ऊपर वाले ही दे देंगे, क्योंकि प्रसाद ऊपर वालों के ही तो ऊपर चढ़ रहा है ना। बिल्कुल, हमारे हाथ में इसमें कुछ श्रद्धा, हम लोग तो श्रद्धा से ही आए हैं ना, चढ़ा रहे हैं, बाकी कौन मिलावटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो ऊपर वाले देख रहे हैं, तो हम ऊपर वाले पे छोड़ दिए हैं। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी खराब होना एक अलग बात है, क्वालिटी अगर खराब होती है तो एक अलग बात है, लेकिन जब किसी बहुत बड़े मंदिर में जहाँ पे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जहाँ पे पैसे की कोई समस्या नहीं है, अगर वहाँ के प्रसाद में कहा जाए फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलने की जब आशंका आती है, जब वहाँ की बात साफ भी हो जाती है, तब क्या लगता है ऐसे दोषियों को क्या सजा देनी चाहिए? जो सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको तो बस वही अफसर ने फांसी दो उनको। अच्छा, आजकल इस तरह की घटनाएं भैया कुछ ज्यादा ही सामने आने लगी हैं कि तमाम तरह की मूर्ति को खंडित कर दिया गया कहीं पे। पवन कल्याण जो वहाँ के कहा जाए कि बहुत बड़े अभिनेता भी हैं और बहुत बड़े नेता भी हैं, उनका कहना है कि एक ऐसा धर्म रक्षण बोर्ड होना चाहिए, सनातन धर्म रक्षण कुछ समथिंग कुछ कर उनका ये ऐलान किया, वो सही जरूरी भी है, वो आज के देश के लिए जरूरी भी है, हर सनातनी के लिए वो जरूरी है। देखिए, दोषियों को एक समय के बाद सजा भी मिल जाएगी और ये जो राजनीतिक टीकाकरण चल रहा है, टिप्पा टिप्पणी चल रहा है, वो दोषी है, वो कहते हैं वो दोषी है, चलिए उन सबको हम साइड कर देते हैं, लेकिन जिनकी भावना आहत हुई है, जो तमाम हिंदुओं की भावना आहत हुई है, वहाँ पर जाके लोग अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दान कराते हैं, ऐसा ऐसा जो ऐसा ऐसे लोग जाते हैं, तो फिर उनकी भावना का क्या होगा जब उनको ये पता चलेगा कि जहाँ पे हम कहा जाए कि अपनी भावना अपनी आस्था लेकर जाते हैं वहाँ पर ये हालत है? क्या लगता है भैया, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी होना चाहिए, बोलो फांसी होना चाहिए, वही जो राम रची राखा होइए, वही जो राम रची राखा बस वही किया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए भैया, फैसला कोर्ट ने देगा, हम लोग कल जजमेंट देंगे? हाँ। जज तो फैसला वो ना कोर्ट देते हैं, जनता जनता पुराना सिस्टम नहीं ना है, पुराना सिस्टम नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके द्वारा ना चलेगा कि जनता। क्या लगता है भैया कि यहाँ पर जो कहा जाए कि तमाम जो हिंदुओं की भावना को आहत किया गया है, उनके साथ क्या करना चाहिए, उनकी उनकी क्या सजा होनी चाहिए? उनको सजा मिलना चाहिए और ऐसा भावना ना रखें, हिंदू धर्म सबसे सनातनी धर्म। इस तरह के मामले लगातार भैया कुछ ना कुछ कुछ दिनों के बाद जो है इस तरह के मामले सामने आते हैं, इन सबको रोकने का क्या उपाय होना चाहिए, क्योंकि ये जो आती है हवा उठती है उसके बाद हवा शांत हो जाती है, फिर लोग भी भूल जाते हैं, सरकारें भी भूल जाती हैं। सरकार को चाहिए कि समय से इसकी जांच करते रहे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है, सनातन धर्म का इसके प्रति जो आस्था है लोगों का, इसके साथ खिलवाड़ होता है, और ये जो हिंदू धर्म को इसको खत्म करने के लिए प्रयास कर रहा है वहाँ के लीडर लोग, इसलिए हम लोग का चाहिए कि इसका खूब पुरजोर विरोध करना चाहिए, और हम लोग का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शुद्धता लाने के प्रयास करें वहाँ की सरकार, जो भी चर्बी और ये सब ला रहा है इसके लिए। कितने लंबे साल से जो है वो कहा जाए उस प्रसाद में मिलावट और लोगों को पता नहीं चला, लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, ये तो ऊपर से मिलावट है। कंपनी जो पहले नंदिनी घी जो पहले वहाँ पे सप्लाई होता था, उसके बाद जब उसकी कंपनी बदली गई, उसको 1 साल हो गया, उस घटना को 1 साल हो गया लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है जून से नया घी मिल रहा है वहाँ पर, और जून के बाद से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वहाँ के प्रसाद का नियम ये है कि इसकी क्वालिटी को टेस्ट आप खा के नहीं, उसको जूठा नहीं किया जाता है, तो उसको सूंघ कर और उसको देख कर उसकी क्वालिटी का पता लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर कोई एक ऐसा मशीन नहीं है जहाँ पे उसकी क्वालिटी की जाँच हो, वहाँ पर कोई एक ऐसा यंत्र नहीं है जिसकी जाँच हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा सिस्टम है वहाँ पर, इतना बड़ा मंदिर है, प्रशासन में तमाम लोग हैं, मंदिर कमेटी में तमाम लोग हैं, उसके बावजूद वहाँ पर अगर ऐसी घटना घस सकती है तो फिर सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ा सवाल वही है कि लोगों की आस्था को जो ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? चलिए हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में मिलावट के बाद से तमाम जो हिंदू हैं, तमाम जो सनातनी हैं, वो सवाल उठाने लगे हैं कि अगर इतने बड़े मंदिर में उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो सकता है, तो फिर बाकी जगह क्या भरोसा है कि क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल
कि हिंदू आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इतने समय से चल रहा है और किसी को कोई खबर नहीं है। अभी जब मिलावट की बात सामने आई है तब लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, वरना इतने दिन से समझिए कि जिस प्रसाद को हम अमृत स्वरूप ग्रहण कर रहे थे उस प्रसाद में गोमांस और कहा जाए कि इतना खराब मांस का और चर्बी का जो ट्रेस मिला है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, इस पूरे मामले के हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हिंदू धर्म के आस्था के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आप अभी जहाँ है वो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, यहाँ भी अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कुछ सिख समुदाय के लिए कुछ कह दिया था। तो हिंदू धर्म के लगातार इन लोग ऐसा ऐसा कुछ कुछ प्रोपोगेंडा चला रहे हैं जिससे उनका धर्म उनका आस्था पे चोट हो। कल ममता बनर्जी ने आदेश दिया कि दुर्गा की प्रतिमा का हाइट निश्चित हो, तो ये लोग एक कड़ी के तहत चला रहे हैं। अब देखिए वहाँ तिरुपति में कितने आस्था से पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, प्रसाद खाते हैं। अब उसमें पशु की चर्बी का मिलावट का बात मामला सामने आया है, तो ये सब तो कितना आहत की बात है कि हिंदू धर्म की आस्था या किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करना एक आम बात नहीं हो सकती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए